अस्सलाम वालेकुम, मोबाइल स्टूडियो से सही सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। और जापान के अंदर हवेली, ओ हवेली के लिए हर बंदा खा पड़ता है। सुनेगा कि इस हवेली में मैं भी आऊँ। जिनकी फर्नीचर की बात करूँ मौजू बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जिस मौजू पर मैं आया हूँ, जापान में मारूफ हस्ती, समाजी कारकुन और सियासी लीडर सबसे बड़ा। और जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मुस्लिम नून का नाम रोशन करने वाला हमारे दरमियान राणा इमरान हुसैन बैठे हुए, और आपकी फरमाइश थी और सरपरा से आला इन जापान का तमाम मुस्लिम नून के होदेदारों पर, इसलिए लोगों ने मुझे भिजवाया कि जो आजकल सोशल मीडिया में जो बातें हो रही है और जो आजकल टिकटॉक बड़ी प्लेटफॉर्म पर राणा साहब बातें हो रही है, तो ये शोतप खाना क्या है तो शाह खाना आजकल इसका चर्चा चल रहा है। घड़ी का ये घड़ी क्या नाम है इसका? ये तो रिलैक्स है मेरी, तो आजकल ये घड़ी बड़ी उछल रही है इसके बारे में। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो लोग मुझे कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है बड़े होदेदार हो, सबके ऊपर सप्रे आला भी हो, तो लोग जो है ना कि राणा इमरान के पास चाहिए और उनके बारे में हकाइक जो है हकीकत यही शख्स दे रहे। पूरा जापान मुझे फोन कर रहा है, इसलिए मैं आज आपकी हवेली में आया तो मेरा दिल खुश हुआ और मीडिया के लोग तरस रहे आने के लिए। इस हवाले से क्या बोलेंगे भाई? बात पहले नंबर पे तो आपके आने का शुक्रिया। और बात तोशा खाना की घड़ी की कर रहे हो, जी, जो इमरान नियाज़ी जो साबिक वजीर आजम बनाया गया था सिलेक्टेड, उसके मुतलक, तो यार ये गिफ्ट जो तोहफे होते हैं ना, हर आदमी अपने हसीयत के मुताबिक देता है। और इसको जो तोशा खाना के जिस घड़ी का शोर शराबा है, वो तोशा खाना की घड़ी सऊदी अरेबिया के जो है वो नेक्स्ट किंग बनने वाले ने दी है, कोई मजाक नहीं। अच्छा, और वो जिनके मुल्क में सोने की काने हैं और उनने मामूली घड़ी नहीं दी। मेरी इस रोलेक्स में 10 डायमंड लगे हुए हैं और 300 मान की घड़ी है। अच्छा, और इसे छोड़ दें, इसकी तो उसके सामने कोई बात ही नहीं। अच्छा, महंगी थी, लेकिन वो घड़ी जिसकी कीमत 2 अरब 2.5 अरब के करीब है और वो घड़ी 5 करोड़ में बेच रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने साहब उसका 10 करोड़ लगाया भी, तुम 10 करोड़ में ही बेच दो, तुम 5 में इतनी जल्दबाजी में कैसे बेच दी? कितनी और कहता है मैं दुनिया का बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बड़े पैसे हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। न्यासी कहता है, न्यासी कौन सा न्यासी? झूठा चोर, झूठा चोर जो सारी दुनिया को चोर चोर के वो बनाता है ना। न्यासी कौन सा? इमरान खान न्यासी। अच्छा अच्छा, जिसकी होगी ठोस, जिसका चल रहा था जो लॉन्ग मार्च, वो भी छोटी छोटी टोलियां पीती पीती सी लॉन्ग मार्च ही बन गई है। और फिर उसे पटाखा चलता है तो नीचे से गोली चलाओ, वो टांगों में थोड़ी लगनी है, ऊपर लगनी है, ऊपर बच जाता है और वो लबैक वालों ने लबैक करके ठुस कर दिया उसको है। और अब ये घड़ियों के चोर और बुला रहा है कि जी मैं रियाद से मदीना बना ली। अच्छा, किस मुल्क ने खरीदी थी? घड़ी सऊदी अरेबिया ने दी है। अच्छा, उसके मदीने की और उसमें खाना काबा की तस्वीर है। जिस आदमी का आजकल फारूक की बात चल रही, जिसने वो घड़ी खरीदी दुबई वाले ने, वो कहता है कि मैं तो लर्ज गया था, खाना काबा को का अक्स उसमें बना है, हमारे लिए तो वो सर माथे में हम तो चूमे, हमने खाना काबा की तस्वीरें लगाई हुई घर में, आप देखें ये इधर, और वो चूमते हैं जो है तबीयत ताजा हो जाती है। ईमान है ना हमारा, हम आज के रसूल है, लबैक या रसूलल्लाह। तो हमने इस किस्म की हरकतें करने वाला आदमी जो कि दुनिया में झूठा साबित हो गया, ये तोशा करना की घड़ियां गिफ्ट तोहफे, ये सब ड्रामा हुआ। और उसी ओ यार, इतनी बड़ी घड़ी, इतने इतने बड़े डायमंड, 44 डायमंड 40 डायमंड लगे हुए थे घड़ी में, पेन में, उसमें, क्या उसकी 5 करोड़ कीमत है? 44 डायमंड 500 रुपए का कहते हैं जी डायमंड का रेट लगाया, यार मनु दे दियो सारे, मैं एदी घड़ी जड़ी है ने 5 करोड़ दी 7 दी बेची है, मैं 50 करोड़ दी खरीदना है, दे दे मनु घड़ी, मैं दुबई वाले नु कहना कि घड़ी दे मनु। ये है राजपूत की आप लोग को चैलेंज, अगर घड़ी बेचनी है तो फिर हमारे सानू 50 करोड़ दी दियो, ओदी कीमत 50 करोड़ में लाना। अच्छा, मुझे ये बताए कि
आपको मसीह नूर से बहुत प्यार है, जुनून मैं तो समझता हूँ अपने कायदों से। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ हमारे दिल में, शहबाज शरीफ दिल में, सही है। अच्छा मसीह नूर के तो आप सबसे बड़ा यहाँ अहदेदारी हो, सारी जिम्मेदारी भी आप पर है। अच्छा आपके नीचे भी कुछ लोग है, ये यहाँ रिश्ते निभारियां कर रहे हैं, यारियां बना रहे हैं, अलग है तुम्हारे कायद, कितना गंदा कह रहे लोग। मैं मुंह पर बात करूँ, मगर यहाँ के नून लीग के लोग खामोश करने होने की वजह क्या? वो पता नहीं यार यहाँ क्या करते हैं लोग, जो जिस जिम्मेदारी दी गई है हमारे लीडर कायद की तरफ से जिन जिन को, उनको अपने कायद का विजन जो है ना डंके की चोट पे कहना चाहिए, ना दोस्तियां निभानी चाहिए, ना यराने निभाने चाहिए, ना बरादरियां निभानी चाहिए। हक सच की बात जो है वो करनी चाहिए, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। जी नाज़रीन, जैसे के राणा इब्राहिम हुसैन सरपरस्त आला जापान में और उसकी हवेली में बैठ के आपको लाइव, और ये सिर्फ आप वो भाई जो उनसे प्यार करते हो उनकी आवाज आप तक पहुंचाई। इसके साथ मुझे इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।